सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है, क्योंकि आज फिर से मैंने जो भी है एक स्कैल्पिंग माइंडसेट से जो भी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है, एंड बहुत ही क्विकली जो भी है मतलब प्रॉफिट हुआ था। और मतलब कि अगर मैं सेल नहीं करता तो शायद लॉस भी वो हो जाता। मतलब कि मार्केट आज कुछ मतलब अलग ही चली है। मतलब टोटली थोड़ा बहुत मूव दिया है मिड कैप निफ्टी ने, उसके बाद टोटली साइडवेज। बैंक निफ्टी भी कुछ खास नहीं चली, मतलब कुछ इंडेक्स मतलब कुछ खास नहीं चले। हाँ मतलब आराम आराम से ऊपर गए हैं। अगर हम मतलब ऐसे अगर मार्केट चलेगी ना तो कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने जो है प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कोर्सेस है वो उसमें जो भी है लगभग 450 के लगभग लाइक आ चुकी है। 50 लाइक और बाकी है, वो 50 लाइक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो भी है अपलोड हो जाएगा। सो उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, एंड आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं आज फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करूँ। करने का कारण ये है कि मिड कैप निफ्टी वैसे तो ठीक है, लेकिन वही बात है यार, थोड़ी सी मतलब वो स्लो है। एंड हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग के माइंडसेट से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो अभी जो फिन निफ्टी है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, टोटली हाई पर है। एंड अभी मैं आपको रेसिस्टेंस बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट जो साइकोलॉजी रेसिस्टेंस है वो है यहाँ पर 25,055 के करीब, ठीक है ना। ये एक रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट स्विंग बना के जाएगा तो शायद यहाँ पर मार्केट अटक सकता है, लेकिन हमें एक सिर्फ दो या तीन ट्रेड चाहिए, और हमें ऐसी ट्रेड चाहिए जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट और कम से कम 5-6 पॉइंट हमें मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमें इतना ही काम करना है, एंड स्कैल्पिंग के माइंडसेट से मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं कि अभी करने क्या वाली है फिन निफ्टी, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे, एक मिनट। एंड अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से मिड कैप निफ्टी देखो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी देखो मिड कैप निफ्टी टोटली यहाँ पर रिटेस्ट करके यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया है। तो यार मार्केट यार काफ़ी 24,000 से टोटल मतलब कि 800-900 पॉइंट मार्केट ने एक हमें बढ़िया सा पुल बैक मतलब कि बढ़िया एकदम बुलिश रही है कि 800 पॉइंट मार्केट ने कवर किए। 800-900 पॉइंट, इतना तो आप समझ रहे होंगे ना कि 800-900 पॉइंट मार्केट ने कवर किए हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, मतलब कि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुकी है, तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा नहीं, जैसे कि लाइक 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट, थोड़ा बहुत तो आना पड़ेगा ना। कि यार आप खुद ही देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, एक मिनट रुको मैं ये थोड़ा सा देखो मार्केट ने कितने दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया था इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए। लगभग 3 दिन मार्केट ने यहीं पर बिताया था साइडवेज एक ही रेंज में। अगले दिन मार्केट ने अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया, फिर उससे अगले दिन मार्केट में ऊपर गई थी लेकिन रिजेक्शन मिला मार्केट को। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। अब अगर हम फिर से ही एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, देखो जा सकता है, लेकिन एक तरीके से चार्ट के हिसाब से ये दिख रहा है कि थोड़ी बहुत यार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए ना मार्केट में, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। लाइक मार्केट 600 तक आए, 24,600 तक या फिर 24,750 तक आए, थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, इतना भी आप समझते हैं, क्योंकि स्विंग बनाना चाहिए मार्केट को, ठीक है ना। तो देखते हैं हमें कौन सा वो बड़ा टारगेट लेना है यार, थोड़े से पॉइंट लेने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं ताकि आप थोड़ा कुछ सीख जाएं। नहीं मैं तो यार स्कैल्पिंग करके एक छोटे से स्विंग पर काम मेरा तो ख़त्म हो जाएगा ना उसमें। मेरे लिए फ़िलहाल तो देखो कोई ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है, कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे एक कैंडल पर काम करना है, वो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, और ये लग रहा है ना ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लगना नहीं चाहिए भाई। देखो थोड़ी सी एनालिसिस ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये होगा, और फिर मार्केट उस तरफ जाती भी नहीं है, आपके विरुद्ध आ जाती है, फिर हो जाती है आपकी साइकोलॉजी टोटली ख़राब, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, ये वर्ड नहीं बोलना है कि लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना। जैसा मार्केट चल रहा है ना, जिस तरफ भी मार्केट जा रहा है, हमें सिर्फ उसी तरफ ध्यान में रखना है। मार्केट के विरुद्ध नहीं सोचना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नहीं, मार्केट की प्राइस एक्शन के बिहेव को समझना है ओनली, बस, ठीक है ना। तो अभी चल रहा है मार्केट, चलने देते हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये था वन डे के टाइम फ्रेम में जो भी है
चार्ट एनालिसिस। अब हम चलते हैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम में, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है। अभी देखो मार्केट ने कैंडल बनाई थी नेगेटिव, एक्चुअली ये नेगेटिव कैंडल है, कैंडल बनने के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। मुझे नहीं पता मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन ये कैंडल नेगेटिव है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और अभी मार्केट ने जो भी है हाई को ब्रेक नहीं किया, ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, लगभग 24,400 के लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया है। सो देखते हैं क्या होता है अभी अपनी, या तो मिड कैप निफ्टी में ट्रेडिंग हो ट्रेड बनेगी या फिर फिन निफ्टी में। चलो एक बार बैलेंस आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब ये कह रहे थे कि बैलेंस नहीं दिखाता, अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, अब से मैं आपको बैलेंस दिखाऊंगा। ये नेट को क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकना, ये भाई साहब क्या हो गया एक मिनट थोड़ा सा इंतज़ार करिए, यह सबको हाँ आ गया। तो ये टोटल बैलेंस है 33,627 के लगभग, एंड कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली बेस पर लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बुक में लिख रहा हूँ, और प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी दिखाऊंगा आपको। अरे क्यों यार चिंता करते हो, चलो पहले आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा पीएनएल, लास्ट में दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने 20 तारीख को किया था ना प्रॉफिट, वो लास्ट में दिखाऊंगा। ओके कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या करती है मार्केट, अभी चलने देते हैं। अभी कोई माइंडसेट अभी मेरा नहीं बना है कि किस में ट्रेड करूं। मिड कैप निफ्टी ने यार थोड़ा सा अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं मिड कैप निफ्टी में, हमें छोटी सी ट्रेड चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा झंझट मोल नहीं लेने वाला हूं। ये देखो थोड़ा सा मतलब बढ़िया मूव दिया है, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है मिड कैप निफ्टी के लिए, ये वाला लेवल रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया ना इस लेवल को, तो यहाँ से मार्केट का चेंज हो जाएगा क्या करेक्टर, जो मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक्चुअली आपको सिखा भी चुका हूँ कि मार्केट अपने करेक्टर को कैसे चेंज करती है, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर मार्केट को अपने करेक्टर को चेंज करना होगा तो इस स्विंग के हाई के ऊपर मार्केट को ट्रेड करके इस तरीके से मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, लाइक इस स्विंग के ऊपर मार्केट को अपना एक हाई बनाना पड़ेगा, तो ही मार्केट का जो भी है करैक्टर चेंज होगा, ठीक है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सभी चीज़ें मैंने ये बता रखी है। चलने देते हैं, अभी मार्केट ओपन ही हुआ है, इंतज़ार करते हैं, बढ़िया सी ट्रेड बनेगी, मैं आपको फिर अपडेट करूँगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। चलने देते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है आज, तो कोई नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम भी सोचेंगे कि आज पॉजिटिव ही हमें अपना जो भी है व्यू रखना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड देखते हैं। बढ़िया मूवमेंट मिली है मिड कैप निफ्टी में, आप देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास है ना। तो चलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर, अभी हम मिड कैप निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर सेटअप बन रहा है, देखो कैसा सेटअप बन रहा है। ये है फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का मार्केट ने हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, चांसेस है थोड़े से, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर अपनी एक कॉल के लिए एंट्री बन सकती है, और मार्केट यहाँ से टेस्ट करके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपने एक कॉल के लिए एंट्री बन सकती है, क्योंकि मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेगी ना तो ही मार्केट अपने प्राइस एक्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर पाएगी, जैसा कि मार्केट यहाँ से बनाती आ भी रही है, ठीक है ना, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, अन्यथा मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। यहाँ पर मार्केट अगर सस्टेंस करती है इस कैंडल के हाई के ऊपर, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर थोड़े से चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बहुत मतलब क्विकली काम करना होगा, बहुत क्विकली मतलब कि बहुत ज़्यादा क्विकली, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पर सस्टेंस करेगी इसके ऊपर तो अच्छी बात है, अगर नीचे चली गई तो फिर बुरी बात है, कहने का मतलब मेरा सिंपल सा यही है, ठीक है ना। मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा तो मार्केट को जो भी है थोड़ी बहुत सेलिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को, एक्चुअली लिक्विडिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट जैसे कि मान के चलो मार्केट जाना ऊपर चाहती है लेकिन दिखा आपको नीचे का रही है, तो वो मार्केट को थोड़ा सा मार्केट को या तो सेलिंग चाहिए थोड़ी सी या बाइंग चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना तो मार्केट थोड़ी सी मार्केट को सेलिंग चाहिए। एक्चुअली बायर और सेलर जब मतलब सेम होंगे ना मार्केट में लिक्विडिटी सेम होंगी तभी तो मार्केट अपने मकसद को जो भी है कंप्लीट करेगी ना, समझ रहे हो ना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मार्केट में बायर और सेलर के वजह से मार्केट चलता है, एंड मार्केट में अगर प्रोडक्ट होगा कोई सेल कर रहा होगा तो उसको बायर खरीदेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कुछ ये है कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर लिक्विडिटी का, ये अगर आप समझ जाते हो तो शायद आप ये चीज़ें समझ जाओगे, अन्यथा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लिक्विडिटी। मैं आपको समझाऊंगा जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा ना अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, 500 लाइक होने के बाद
उसमें मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना, सिंपल सा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई है, लेकिन प्रॉपर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस नहीं है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट को थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग दिखानी पड़ती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग कर देगी तो अच्छी बात है, वरना फिर देखते हैं अलग सिचुएशन बनेगी तो उसके हिसाब से हम अलग तरीके से करेंगे। और आज मैं आपको लाइव इसी पर ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, पोजीशन जो भी है, जो क्या बोलते हैं उसको, पैसा वगैरह कितना है, अरे यार सब दिखाऊंगा आपको, दिक्कत मतलब आप बहुत यार क्वेश्चन करते हो, चलो है ना, दिमाग में नेगेटिविटी भरी है आप सभी के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि रखनी नहीं चाहिए यार, ठीक है ना। नेगेटिविटी एक दूसरे का विश्वास यार कम कर देती है, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि दूसरे के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को या किसी और को तो शायद वो चीज़ अलग हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है, एंड में आपको लाइव ट्रेड इसी पर लेके दिखाऊंगा सिंपल तरीके से मिड कैप। अरे यार ये नेट ने खा लिया यार, चलो देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन देखता हूँ और फिर मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूँ। सो ट्रेडर अभी देख सकते हो यार, मार्केट ने काम तो किया था, देखो यार मार्केट ने काम तो किया था, बढ़िया कैंडल भी बनाई थी, लेकिन ये मार्केट ना कर क्या रही है, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। अभी अपनी कोई पोजीशन नहीं बनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है ना, अभी कोई ट्रेड वगैरह नहीं बनी है। मार्केट कुछ अलग कर रही है, सिस्टम थोड़ा सा अलग है। मुझे ओनली स्कैल्पिंग करनी है, मुझे कोई बड़ा टारगेट लेके यहाँ पर नहीं चलना है। एंड इस लेवल पर अगर मार्केट सस्टेन्स करती है तो कोशिश करेगी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की, ठीक है ना, समझ रहे हो। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो 13,200 का लेवल है ना, 13,200 का लेवल, वहाँ पर थोड़ा कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो एक्चुअली समझ रहे हो ना जो आप, कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को ट्रैप भी कर सकती है या फिर ओपन इंटरेस्ट मार्केट को नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस कैंडल, जो ये कैंडल बनी है ना रेड ग्रीन वाली, ये जो कैंडल बनी है एक अच्छी खासी कैंडल है यार। इस कैंडल के बनने के बाद मुझे लगता नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ऐसा मुझे लगता है ऐसा। वैसे देखो मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो ये लो लगाया है ना, इस लो के ऊपर है, ठीक है ना। तो इस कारण से यहाँ पर अपनी एक स्कैल्पिंग बनती है। चलो क्या गया भाई, मिड कैप निफ्टी में हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे एक बढ़िया सी कॉल के लिए। यहाँ पर मैं आज आपको खुला दिखाऊंगा सब कुछ, 86 वाला, एंड ये अभी बैलेंस देख सकते हो, एंड क्वांटिटी हम कितनी लेंगे, यहाँ पर लेंगे 200 क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इंतज़ार करता हूँ मैं, एंड देखते हैं स्कैल्पिंग बनेगी, एकदम स्कैल्पिंग करेंगे, कोई यार वो नहीं करेंगे कि मतलब लेकर बैठे रहना, वो काम नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा स्कैल्पिंग के माइंडसेट से यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ ट्रेड लेने की। वैसे थोड़ी सी दिक्कत है, वैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लो है ना, इस लो के ऊपर बनाया है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। थोड़ा सा रिस्क मैं यहाँ पर लेता हूँ, चलो मैं बाय कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर बाय का ऑर्डर डाल दिया है। आप देख सकते हो यार इतनी भयंकर मूवमेंट, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। सेल एग्जिट पर बटन रखता हूँ, मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, ये मैंने इस पर आपको लेकर दिखा दिया आज के दिन, ठीक है ना। ओनली 2000 से ऊपर का अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, स्कैल्पिंग के माइंडसेट से मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब आप देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पर यार मैं थोड़ा सा लालच कर रहा हूँ, मुझे काबू करना पड़ेगा, ये लालच बिना नहीं पता क्या करवाएगा। मैं नहीं करूँगा भाई लालच, पहले करके देख लिया लालच, अब मैं नहीं करूँगा, बस ये थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अरे भाई साहब हो क्या रहा है ये, अरे भाई साहब, भाई साहब अब की बार अगर हो जाएगा तो मैं अब की बार नहीं डटूंगा, मैं सेल कर दूंगा, मैं नहीं डटने वाला। चलो भाई 2000 का जल्दी करो, जल्दी, इतना टाइम नहीं, शाबाश ये अपना हो गया 2000 का। अरे थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ये लो, मैं नहीं डटने वाला भाई। हाँ बड़ी यार, अब देख रहे थे ना कि हो क्या रहा था, अब देख रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब चाहे मार्केट कहीं पर भी जाए, अब मुझे कुछ नहीं लेना देना। प्रॉफिट तो मैं इस कैंडल पर भी कर सकता था, यहाँ पर बढ़िया 50 पॉइंट मिले थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं पता मार्केट का क्या कब कर दे, इसलिए भाई ठीक है जो भी है ठीक है। चलो आज मैंने आपको सब कुछ दिखाया, 95 पर बाई किया, 200 क्वांटिटी, 106 पर सेल कर दिया, लगभग 11 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिए है 200 क्वांटिटी। टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 19,000 के लगभग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है।
एंड चलो इतना हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने थोड़ा सा स्कैल्पिंग के माइंडसेट से यहाँ पर किया है, अगर मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर बनता तो हो सकता था यहाँ पर प्रॉफिट बढ़िया आए, क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी ना तो बढ़िया एकदम ये 150 के लगभग चला जाएगा और यहाँ पर 3-4 हज़ार का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था, 3 हज़ार का तो अभी हो रहा था। लेकिन बात वही है कि मैं किस माइंडसेट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग माइंडसेट से ट्रेड कर रहा हूँ और अपना टारगेट भी यहाँ पर 2 हज़ार के करीब रहता है, इसी कारण से मैंने जो भी है एग्जिट कर दिया। अभी मैं आपको जो भी है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि मार्केट के यहाँ से नीचे आने के चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर सेलिंग दिखाती है और उसके बाद सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट फिर से एक मारुबुजू कैंडल बनाती है जो कि बहुत ख़तरनाक कैंडल है। बहुत ज़्यादा ट्रैप यहाँ पर हुए होंगे ट्रेडर, क्योंकि जब ये कैंडल बनी होगी तो इसकी क्लोजिंग पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर ने यहाँ पर अपनी एंट्री ली होगी और उसके बाद इस कैंडल ने उनका ऐसे लेट करा दिया या फिर ट्रैप कर दिया, जो भी है बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया है। वैसे हमारी जो एक जो बिगनर ट्रेडर है ना, जो सेफ ट्रेडर है, वो तो भाई इस स्विंग के ऊपर ही अपनी एंट्री बनाए, इसके भीतर है जब तक तो एंट्री ना बनाए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। देखो एक चीज़ यहाँ पर ये भी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप इसको पूरी कंप्लीट तरीके से जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो 45 मिनट की है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत भयंकर नॉलेज है इसमें। 500 लाइक के बाद, टोटल 500 लाइक होने के बाद नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो जाएगा। अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक। लाइक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कि यहाँ पर सभी के SL लगे हुए हैं, क्योंकि एंट्री यहीं से ली थी सबने। अब मार्केट करती क्या है, मार्केट ऊपर नहीं जाती है फिर से यहाँ पर, तो मार्केट ने किया क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पर, मार्केट फिर से नीचे आती है लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास में नहीं आती है, मार्केट पहले ही ऊपर चली जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये है अनमिटिगेटेड, एक अनमिटिगेटेड है मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ना आए और उसके बाहर से ही मार्केट ऊपर चली जाए, तो यहाँ से हम एक जो भी है सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो ये लो बना है ना, इस लो के ऊपर ये लो बना है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अनमिटिगेटेड है, ठीक है ना। इसे हम अनमिटिगेटेड बोलते हैं। मैं आपको समझा दूंगा, ये क्लियर कर दूंगा। तो जब भी ये सिस्टम होता है तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, कन्फर्म कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ चांसेस रहते हैं, बस शायद हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये करना पड़ता है। और जो भी है मिटिगेटेड क्या होता है, मिटिगेटेड ये होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पर, तो मार्केट प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद ऊपर जाती है, तो ये मिटिगेटेड है। वैसे दोनों ठीक है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी अनमिटिगेटेड की है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आता है, वो ऊपर से ही चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये तो देख सकते हैं आप जा रहा है ना ऊपर, हाँ। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंडर में आता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए ट्रेड विद बलराम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है ना, कोर्सेज का फ्री में है बिल्कुल, बहुत मज़ा आने वाला है। देख सकते हैं मार्केट नहीं पता क्या करने वाली है, करने देते हैं, अपना काम हो चुका है। आज की वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिली होगी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो ज़रूर देखना, 500 लाइक के ऊपर होने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कल, जय श्री कृष्ण सभी को, बाय बाय टाटा, सी यू।